आज दिल की बातें करेंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं कैजुअल भी हो जाऊं। सर जी ठीक है ना। फैजान सर जीत गए तो प्राइस मनी का क्या होगा? सर ये मत कहना कि दानिश को दे दूंगा। नहीं सवाल ही पता नहीं होता। सच्चे आदमी हो, चलो अच्छी बात है। सर इनिशियली मैंने नहीं सोचा था, जब इसकी मेरी निगोशिएशन चल रही थी इस शो के लिए, निकलते हुए अम्मा ने एक जुमला पीछे से कह दिया था, तो वो जहन में फंस गया था। okay. मैंने कहा तुम अगर जीते तो तुम मुझे गाड़ी दिलाओगे। वेरी गुड। मैंने कहा सर आपको पक्का। माँ बाप को आप लोग के पैसों की जरूरत नहीं होती? एब्सोल्युटली सर। वो भरम होता है जी, वो मान होता है जिसको आपने बरकरार रखना होता है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने पहली नौकरी की थी उस हवाले से दिया था। मैं इतना तो खाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ एक निवाला लूंगा। फ्रेंड टोस्ट बना दो चाय के साथ, मतलब कॉफी में आ रहे हैं। मसला हो जाएगा, ये प्लेटें धोनी भी पड़ेंगी। वो तो मैं धो ही रही हूँ। मैं तुम सब लोग को स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग ये खाना खा रहे हैं भाई, तालियां माशाल्लाह यार। ना सिर्फ हम खा रहे हैं, हम इसको प्रेज भी कर रहे हैं। टमाटर ज्यादा डाल दिए, मीठा हो गया, टेस्ट आ रहा है। मजेदार सा। ओके आई लीड, बैठ जा। नेहा जी सर, क्या करोगी? सर मुझे जो है एक डॉग शेल्टर है, एक तो वहाँ पर जो है हेल्प करनी है कुछ एनिमल्स एंड स्ट्रेज हैं उनके लिए। बाकी बाकी मैं प्रोबेबली जो है कहीं इन्वेस्ट कर दूंगी। पहली कॉल के लिए मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। थैंक यू, वेरी गुड। या आई रियली वांटेड टू। जी जुनैद सर, सबसे पहले तो जिनकी कॉज है उसके लिए तो मैं हेल्प करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी इसके बहुत होता हूँ कि फेवर में हूँ कि लोग एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ सर, मैं अपनी बेटी के लिए जो है उसकी स्टडीज़ के लिए पैसे जो है वो सेव करना चाहूँगा ये वाले, क्योंकि मैं घर में खुद ही चलाता हूँ घर। भाई इससे बेहतरीन कोई बात हो ही नहीं सकती है। बेटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, ये मेरा मैसेज है उन सब के लिए जिनकी औलादों में बेटियां हैं, तो बहुत ज़रूरी है, तो बहुत अच्छी सोच है। तो सर क्योंकि मैं खुद ही अभी ये सब चीज़ें देखता हूँ घर में, वाइफ भी जॉब करती हैं, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं सब चीज़ें खुद देखूँ, जितना भी खर्चा वगैरह होता है, तो मैं उसके लिए सेव करना चाहता हूँ ताकि उसको आगे कोई मुश्किल ना हो पढ़ाई के अंदर, उसकी स्टडीज़ में। बहुत अच्छा, मैं उसके लिए सेव करूँगा। उमर सर, मेरा अभी जो रमज़ान गुजरा है, मेरी पूरी नीयत थी, पूरा इरादा था अब्बू को उमरा कराने का, लेकिन अभी उनका हार्ट के साथ हार्ट वॉल का इशू चल रहा है, अभी ऑपरेट हुआ था यहाँ आने से पहले, तो जो मेन वॉल है वो उनका बंद है, तो फिर मैं थोड़ा रुक गया। एंड वन ऑफ माई सिस्टर इज़ अ सिंगल पेरेंट, तो मैंने मेरा इरादा यही था कि वो और उनके बच्चों के साथ मैं उमरा करना चाह रहा था, और मैं सिर्फ अब्बू की वजह से थोड़ा रुक गया हूँ, लेकिन अभी इंशाल्लाह इट बी फाइन। और मेरा बिल्कुल इस साल इरादा है कि बाय दी एंड, तो मेरी यही एक नियत है जो कि उस वक्त भी थी और अभी भी, कि वो और बच्चे और अब्बू के साथ मैं एक दफ़ा। इससे अच्छी कोई बात नहीं है जी। अपनी बेटी के लिए बेशक ज़रूरी है, मैं सिर्फ उसी के लिए जमा करें जो कुछ कर सकती हैं औलादों के लिए। ये बात तो मानने की है कि आप पांचों फाइटर्स हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं, और कोशिश करें कि इसी तरीके से दौड़ते रहिए। ज़िंदगी नाम ही दौड़ने का है, और इसमें नशेब और फराज दोनों आते हैं, तो ये नहीं है कि अगर एक दिन बुरा है तो दूसरा दिन भी बुरा हो, हर रात के बाद सवेरा आता है। ख्याल रखो अपना। थैंक यू सो मच सर, मुलाकात होती है। ओके थैंक यू फॉर द टाइम सर। सर ये लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है। सर इट लुक्स गुड। तुम्हें आएगा नहीं, वरना तुम ले लो। फैजान तुम्हें आना चाहिए ये सूट।
सर इंशाल्लाह ये गिफ्ट तुम्हें मेरी तरफ से सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच